Thank you.
शुद्ध है। यदि मन चढ़ाओ तो वो भी नहीं, केवल हमारा मन यहाँ भटकता है, कई अंदर विकार हैं तो वो भी शुद्ध नहीं है। तो क्या चीज शुद्ध है जो आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आंखों का पानी और नारियल का पानी। आंखों का पानी और नारियल का पानी जो आप पिए जी कुछ हद तक सही है, लेकिन आंखों का पानी तभी आता है और नारियल का पानी जैसे पिलाया तो आपको नारियल की भेंट बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा छत्र माँ भगवती को छत्र बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो छत्र ऐसे नहीं बनता, वो आग पैर तपता है, तपने के बाद उसका आकार आता है, आकार के बाद वो माँ को चढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम तप नहीं करेंगे, हम अपने आप को कहते कष्ट नहीं देंगे और उस कष्ट के जो आंसू आते हैं वो माँ को पसंद नहीं। कहते आसानी से माँ भक्ति नहीं मिलती, इसलिए तप करना पड़ता है और तप के लिए हमें मन शुद्ध रखना पड़ता है। तो इसलिए छत्र चढ़ाऊं